बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फीलिंग टीवी के नाज़रीन को आज के इस व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की व्लॉग की ख़ास बात, लाहौर शहर जो सकाफत का गढ़ कहा जाता है और पंजाब का ये दिल है, अलमरा हॉल में एक तकरीब मुनक़द हुई जिसमें सिंध कल्चर डे मनाया गया है। इंडस एसोसिएशन जो कि सिंध की बहुत एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कोलैबोरेशन से अलहमरा हॉल में एक बहुत खूबसूरत तकरीब मुनक़द की जिसमें कल्चर डे मनाया गया है। इस हॉल में लोगों का जम्मे गफीर इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि लोग अपनी सकाफत से कितना प्यार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कौम की तहजीब व तमद्दन के साथ सबसे अहम चीज़ उसकी सकाफत होती है, और आज की इस तकरीब में तमाम लोग अजरक पहनकर तशरीफ़ लाए। इसमें ख़वातीन हज़रात की एक कसीर तादाद शामिल थी। ख़ुसूसी बात यह है कि हर आने वाले मौजूद मेहमानों को आर्गेनाइज़र ने खुश आमदीद कहा और साथ साथ सिंधी अजरक के साथ सिंधी टोपी भी पहनाई गई। मेहमान ख़ुसूसी पंजाब के वज़ीर सेहत डॉक्टर जवेद अक्रम थे। इस खूबसूरत तकरीब में बाकायदा एक सिंध की बेटी कायनात की एक टेलीफिल्म दिखाई गई जो 15 मिनट की थी, जो सिंध की सकाफत के हवाले से बनाई गई थी। और शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई सूफी शायर का ये खूबसूरत इलाका, ये मिट्टी की खुशबू लेकर आज सारे सिंधी जो लाहौर में ना सिर्फ मुकीम थे बल्कि लाहौर के अलावा दूसरे शहरों से भी तशरीफ़ लाए थे, और आज पूरा हाल सुर्ख गुलाब की मानंद लग रहा था क्योंकि सुर्ख रंग सिंधी कल्चर को नुमाया करता है। तो आज न सिर्फ ये कि तहजीब व तमद्दन और सकाफत को प्रजेंट किया बल्कि यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने जो इनका ताल्लुक सूबा सिंध से था उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में टैबलो, मिली नगमे और सकाफती शोज़ प्रजेंट किए जिसको शायकीन ने खूब सराहा। और इस तरह के जो सकाफत को प्रजेंट करने के लिए वो खा पाकिस्तान के किसी भी शहर से हो, सूबे से हो, वो पंजाब हो, सिंध हो, सरहद हो, KPK बलोचिस्तान, गिलगित-बल्तिस्तान हो, पाकिस्तान की सकाफत हर जगह पर प्रजेंट होनी चाहिए। और ये बहुत खुशी की बात है कि सुबह पंजाब में आज लाहौर शहर में ये खूबसूरत सिंध कल्चर डे मनाया गया जिसको लोगों ने बेहद पसंद किया। नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल फीलिंग TV सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आने वाली अपडेट्स बेहतर अंदाज में आपको प्रजेंट कर सकें।